नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिलिक्सिम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मिलिक्सिम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मिलिक्सिम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मिलिक्सिम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मिलिक्सिम टैबलेट एक सेफलोस्पोरिंस ड्रग क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसका उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान, नाक, गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर मिलिक्सिम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर मिलिक्सिम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर मिलिक्सिम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर आपको मिलिक्सिम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। मिलिक्सिम एक ब्रांड नेम है। मिलिक्सिम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सेफिक्सिम होता है। मिलिक्सिम टैबलेट 50 mg, 100 mg, 200 mg व 400 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मिलिक्सिम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में मिलिक्सिम टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्द और दस्त हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मिलिक्सिम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मिलिक्सिम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर मिलिक्सिम 200 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर डोज को शरीर के वजन के हिसाब से 8 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से डोज को 2 समान भागों में बांट कर लेने की सलाह देते हैं। मिलिक्सिम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मिलिक्सिम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। मिलिक्सिम टैबलेट डिस्पर्सिबल टैबलेट की फोरम में भी अवेलेबल है। डिस्पर्सिबल टैबलेट पानी में डालने के बाद अपने आप घुल जाती है, इसलिए मिलिक्सिम डिस्पर्सिबल टैबलेट को एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें डालकर भी लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि मिलिक्सिम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मिलिक्सिम टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में मिलिक्सिम टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। वैसे मिलिक्सिम टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी मिलिक्सिम टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मिलिक्सिम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका मिलिक्सिम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।